कि अपना आखिर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अफगानिस्तान मैच हार चुका है साउथ अफ्रीका से, 5 विकेटों से साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से जीत चुका है, जबकि 47.3 ओवर में ये मैच खत्म हुआ, 15 बॉल अभी रहती। दोस्तों इससे पाकिस्तान का एक कंटेंडर तो कम हो गया है, पाकिस्तान को अब सीधा सीधा जाकर इंग्लैंड को हराना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान सीधा सीधा आज ऑफिशियली बाहर हो गया है। दूसरा दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, बड़े ही अचंभे की बात है, वो ये है कि श्रीलंका के बोर्ड को आईसीसी ने आज सस्पेंड कर दिया है। अगर ये कल सस्पेंड कर देता तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच ही न होता और फिर न्यूजीलैंड 1 पॉइंट लेकर आगे मूव कर देता, लेकिन आज उसे सस्पेंड किया गया है। ये क्यों किया गया है ये तो अभी डिटेल आएगी तो पता चलेगा, लेकिन आज किया गया है 1 दिन बाद। तो ये आपको एक बड़ी अचंभे की बात थी। और दूसरा ये कि ये बीसीसीआई को या आईसीसी कहते हैं, तो दोस्तों इस श्रीलंका बोर्ड ने पाकिस्तान के एशिया कप को एक तरह से खराब करवाने के लिए, पाकिस्तान से मूव करवाने के लिए भारत का साथ दिया था और आधा एशिया कप ले लिया था, जिससे पाकिस्तान टीम भी काफी खराब हुई, लेकिन श्रीलंका की टीम बिल्कुल खत्म हो गई है। और आज ये हालात है कि नई चैंपियन ट्रॉफी नहीं और कोई, पूरा बोर्ड अदालत ने खत्म कर दिया, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और आईसीसी ने भी सस्पेंड कर दिया है एक तरफा फैसला सुनाकर कि श्रीलंका के आज के बाद कोई मैचेस नहीं होंगे इंटरनेशनली। तो ये श्रीलंका के साथ हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान ने पूरा प्लान बना दिया है कि 10 ओवर में कितने रन बनाएंगे, 20 में, 30 में, 40 में और 50 में। पाकिस्तान ने 450 तक का जाने का टारगेट किया है। ये दोस्तों एक पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन मूव होगी। इसमें एक तो नुकसान होगा, आप जल्दी आउट होंगे, लेकिन फायदा ये होगा कि आप लड़ते हुए अगर आउट होंगे तो इससे पाकिस्तान में आपके वकार बढ़ेगा कि ये लड़ते हुए आउट हुए हैं, कोशिश करते हुए आउट हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। अगर आप जाकर हथियार डाल दें और पहले ये कह दें कि हम नहीं जीत सकते तो ये बुरी बात होती, लेकिन बाबर आजम ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ उतरेंगे। बेशक पाकिस्तान अगर जीतता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जीतता तो फिर भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तान ने लड़कर मैच हारा है और पाकिस्तान लड़कर वापस आया है। फिर भी प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है, लेकिन उसको किस तरीके से आप फील्ड पर कर पाते हो रेप्लिकेट, वो एक नेक्स्ट लेवल का टास्क होगा जरूर। ये इसका एक बहुत पॉसिबिलिटी, अगर आप कहें तो 0.01% इस तरह की आएगी, मतलब थिंक।